सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राइव एक्सपो। आज हम आए हुए हैं प्राइम ऑटोमोबाइल्स महिंद्रा का शोरूम है ये फरीदाबाद में। यहाँ पे हम देखने वाले हैं ब्लैक कलर में S11 वेरिएंट है ये स्कॉर्पियो का। इसमें आपको मिलता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन। तो हम इस कार को फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, एक तो इसमें आपको प्रोजेक्टर मिलता है, कॉर्निंग लैम्प्स भी इसमें आपको मिलते हैं। यहाँ पे एक हेलोजन लैम्प भी मिल जाता है आपको। नीचे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी मिलती है इसी में। डे टाइम रनिंग डीआरएल्स यहाँ दिए गए हैं। नीचे इसमें आपको हेलोजन फॉग लैम्प्स भी मिल जाएंगे विद क्रोम सराउंडिंग्स। ये इसकी सेंटर ग्रिल है जिसमें आपको क्रोम का यूज़ मिल जाएगा। लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट यहाँ पे है। ये इसकी रेडिएटर ग्रिल है। इस कार में आपको फ्रंट बम्पर के बॉटम में सिल्वर स्किड प्लेट मिल रही है, छोटी है पर लुक काफ़ी अच्छी दे रही है दूर से। और आपको दिखाएं तो फ्रंट तो हो गया, अब दिखाते हैं आपको इसको टायर साइज। ब्रिजस्टोन की कंपनी इसमें टायर देती है जो काफ़ी अच्छी बात है। और टायर साइज इसका है 235/65/17। फ्रंट में इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स हैं मिलती हैं, रेयर में ड्रम ब्रेक्स। और इसमें आपको सिंगल टोन सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और क्या दिखाएं, साइड मिरर पे आपको इस पर बॉडी कलर इसमें आपको चारों डोर हैंडल्स मिलते हैं। और भी आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स। अब बूट पे बात करें तो इसमें आपको मिल जाते हैं LED टेल लैम्प्स। स्कॉर्पियो आपको यहाँ लिखा मिलेगा दोनों टेल लैम्प के सेंटर में। यहाँ पे इसकी रिवर्स पार्किंग लाइट की प्लेसमेंट है, ये इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। ये स्कॉर्पियो S11 की बैजिंग बूट के राइट साइड पे मिलेगी। लेफ्ट साइड आपको इसका ऐसे डोर खोलना तो उसका ऑप्शन हैंडल आपको यहाँ मिलता है। रेयर वाइपर और डिफॉगर इस वेरियंट में आपको मिल नहीं है। ये इसका ब्रेक लैम्प है, स्पॉयलर भी आपको इस वेरियंट में मिल जाता है। यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी आपको। रेयर बम्पर पे आपको कितने सेंसर्स हैं, रेयर बम्पर पे आपको खाली दो ही पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं विद 2 डमी रिफ्लेक्टर्स। एक मिनट फोकस हो जा, क्या हो गया, आ गया। और जो फुट स्टेप है अंदर पीछे रेयर पैसेंजर्स के लिए वो यहाँ पे बैठने के लिए, तो ये कंपनी की तरफ से ही मिल रहा है। या टोचन के लिए, हाँ जी, कभी आपको टोचन वगैरह करने के लिए ये मिल जाता है लिए। तो यहाँ पे आपको जो ये वाला रिफिलिंग कैप है ये आप में, यहाँ पे आपको जो BS6 इंजन है इसमें आपको 20 लीटर का मैक्सी क्लीन यहाँ पे आपको डलवाना होता है। और यहाँ से आपका डीजल रिफिल होगा। जो भी इसकी आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके बाद आपको एक पेज शो हो रहा होगा या इमेज शो होगी, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। और आराम से पढ़िए, वहाँ पे आराम से पढ़ो तो समझ आएगा आपको ये क्या चीज़ है। आगे रेयर प्रोफाइल होगी और साइड में आपको फुटस्टेप मिल रहे हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर की तरफ। चारों डोर हैंडल से बॉडी कलर से कीलेस एंट्री इसमें मिलती है। ये ड्राइवर साइड डोर है जिसमें आपको चारों पावर विंडो से कंट्रोल और पावर विंडोज के चाइल्ड सेफ्टी के लिए यहाँ पे मिलता है। कार लॉक अनलॉक आप यहीं से कर पाएंगे। ड्राइवर के राइट साइड में आपको काफ़ी बटन्स मिल रहे हैं। ये तो आपका पेट्रोल लिड ओपन करने का बटन है, नीचे नहीं मिलता है, ऊपर ही आपको यहाँ मिल रहा है। ये वाला बटन आपका रेयर डिफॉगर के लिए है। यहाँ पे आपको मिलता है लाइट लेवलिंग का ऑप्शन, ये आपके शायद ORVM से चूज़ करें और यहाँ से फिर उन्हें एडजस्ट कीजिए, उसका ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। और ये इस कार का इंटीरियर है, जो बेज कलर तो नहीं है, ये बेज से भी डल है हल्का, पर लुक अच्छी आ रही है इसमें, थोड़ी रेस बनी हुई है तो लुक अच्छी है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, नीचे इसमें आपको ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स मिलते हैं और हाँ ऑटोमेटिक हैं। और इसके बाद आपको चारों AC वेंट्स में आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी उनकी सराउंडिंग्स पे। बोनट तो इसका गाड़ी का साफ ही दिखता है बिल्कुल। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, MID स्पीडोमीटर कुछ भी समझिए ये। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके लाइट्स के कंट्रोल, यहाँ मिलेंगे आपको इसके वाइपर के कंट्रोल। स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको लेदर स्टेज मिलता है, डी कट नहीं मिलता, पर यहाँ पे एक थोड़ा अच्छी लुक देने के लिए सिल्वर फिनिश दी गई है स्टीयरिंग के ऊपर। राइट साइड में आपको मिलता है इसका क्रूज कंट्रोल भी आपको इस कार में मिलता है और वॉइस कमांड का फीचर भी आपको स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में मिल जाता है। इस कार में आपको सिक्स स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है ये वेरिएंट, रिवर्स गियर एक्सक्लूडेड, देख सकते हैं आप। और पूरे सेंटर कंसोल पे है थोड़ी कार्बन फाइबर की फिनिशेस, सेंटर कंसोल की सराउंड पूरे पे ही है, सराउंडिंग्स में ज़्यादातर है, नीचे भी आपको मिल जाती है। ये इसकी हैंड ब्रेक है जो थोड़ी छोटी लगी मेरे को,
बाकी हैंड रेस्ट रेस्टोरेंट में आपको मिलता नहीं, पर ये सेंटर का जो इतने बड़ा है बहुत ज़्यादा ही स्पेस है इसमें। यहाँ आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, उसकी ग्रिप यहाँ काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स कह लो या सामान रखेंगे जब आपको यहाँ मिल रही है, पेन वगैरह आप यहाँ रख सकते हो। 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ मिलता है। और इसका ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ग्लव बॉक्स भी ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा ऐसे बैक की बैजिंग भी मिल जाती है, इनर रियर व्यू मिरर आपको इसमें मैनुअल मिलेगा। ये इसका सनग्लास होल्डर, रूफ पे लैंप्स आपको पीछे मिलते हैं थोड़े, ये रहे, इनको आप ऑन, इससे ये वाला ऑन होगा और इससे ये वाला, और एक साथ जलाने हो तो बीच वाले से जला सकते हो वरना ऑफ। और यहाँ पे और अभी पहले इंटीरियर दिखा दूँ फिर वो भी दिखाऊंगा। स्कॉर्पियो की बैजिंग आपको वहाँ भी मिलती है लेफ्ट एसी वेंट के नीचे, और फ्रंट में तो लगभग हो ही गया है, बाकी कीलेस एंट्री कार में है नहीं तो इग्निशन मिलेगा आपको, फिलिप की मिलती है इसके साथ। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं फैब्रिक मिलता है या क्लोथ आप कह लीजिए, यहाँ पे भी आपको सिल्वर मिलते हैं, सिल्वर सराउंडिंग्स में आता है डोर पे। ओके, यहाँ पे भी आपको सामान रही नहीं जगह मिलती है रेड डोर पे, ब्लैक आपको इसमें डोर हैंडल मिलते हैं, सिल्वर फिनिश आपको वहाँ से फैब्रिक आपको यहाँ भी चढ़ा हुआ मिल रहा है, और नीचे आपको यहाँ कप होल्डर या बोटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सिल्वर वही सिल्वर फिनिश मिल रही है, मैट्स वगैरह उन्होंने डाल रखे हैं। चलो ड्राइविंग सीट जैसे मैंने फुल पीछे कर रखी थी, लेग रूम यार अब बाल निकालने की जरूरत है नहीं लेग रूम और हेड रूम के लिए तो। और उसके बाद दोनों रेयर इवेंट्स हैं, इसके नीचे आपको यहाँ पे दो कप होल्डर्स और मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको इसमें 12 वॉट्स का चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है, मैगजीन होल्डर ड्राइविंग सीट के पीछे तो नहीं है पर पैसेंजर सीट के पीछे ज़रूर है। और फ्रंट एक तो रूफ पे लैंप आपको यहाँ मिलता है और एक आपको यहाँ मिल रहा है, इसको मैं ऑन करके दिखाऊँ तो ये रहा। और जो आगे वाली सीट्स हैं उनको आप हाइट एडजस्टेबल वो है नहीं, और दिखाएं कुछ तो रेयर सीट्स में आपको यहाँ हैंड रेस्ट भी मिल जाता है जिसमें वो बोटल वोटल कप होल्डर तो नहीं मिलता, पर एक दो चारों ये वाले चारों हेड रेस्ट तो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, उसमें तो हेड रेस्ट है ही नहीं इन सीट्स में। बाकी ये इसके बूट स्पेस आप कह लो या आप इसमें बैठना हो किसी सीट में तो स्पेस तो बहुत है, एक दो और तीन इसमें आपको रूफ हैंडल्स मिलते हैं, तीनों के तीनों स्टील हैं, ऑटो फोल्डेबल नहीं, और तीनों के ऊपर ही आपको एक हुक मिल रहा है ऐसा। और रूफ पे आपको इसमें शार्क फिन एंटीना तो मिलता नहीं है, रूफ रेल्स इसमें आपको मिल ही रही है कंपनी की तरफ से। अब इस वेरिएंट की प्राइस की बात करते हैं तो ये है S11 BS6, तो एक शोरूम प्राइस तो इसका है 16,27,345, जो ऑन रोड आपको फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है 18,99,000 ही हो गया ये। बाकी और कुछ एक्सटर्नल लेना हो तो आप ये ले सकते हैं, बाकी ये प्राइस लिस्ट है, अपनी वीडियो आप यहाँ पॉज कर लीजिए तो आप अपनी प्राइस लिस्ट देख पाएंगे, कोई भी वेरियंट देख रहे हो आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो इस कार के बारे में तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में, वरना शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपको और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ज़रूर आओ। गाड़ी ले रहे हो तो एक बार मेरे चैनल का नाम बता देना, इनको भी लगेगा मेरा आने का कुछ फ़ायदा है वीडियो बनाने का, वरना मेरे को बनाने नहीं देते कई बार। बाकी नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू फाउंड माय वीडियो इन्फॉर्मेटिव डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस ऑन कार्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।